बात करेंगे। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, उमा भारती के सुरक्षा अधिकारी को दुबई से फोन आया, पाकिस्तान और दुबई से फोन आया। उमा ने एडीजी और एडीजी इंटेलिजेंस को इस बात की इत्तला दी है। फोन करने वालों ने उमा भारती की लोकेशन पूछी, खुद को वो क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में उमा भारती के सुरक्षा अधिकारी को दुबई और पाकिस्तान से फोन आया है। उमा भारती ने इस बात की शिकायत एडीजी और एडीजी इंटेलिजेंस को की है। पाकिस्तान और दुबई से यह फोन किया गया। सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पूरी जानकारी विस्तार से। दरअसल जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके लिए कॉल आया था, लोकेशन पूछी गई थी उमा भारती की, और जब ये ट्रेस किए गए कॉल तो एक पाकिस्तान और एक दुबई का कॉल बताया जा रहा है। और दरअसल उमा भारती दरअसल क्या है, लंबे समय से जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही, उसकी बेहद सक्रिय भूमिका में रही है, इसलिए हमेशा ये इनके लिए थ्रेट हमेशा से रहा है। जो खासतौर से जो लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, इनमें राम मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे तमाम बड़े नेता थे, और इसी लिहाज से इनकी सिक्योरिटी भी बेहद हमेशा से टाइट रखी गई, और उसी श्रेणी में उमा भारती को भी रखा जाता है। और इसी मद्देनजर ये देखा भी जा रहा है, जो कॉल आया था इनकी लोकेशन पूछने के लिए, खासतौर से जो अगर पाकिस्तान और दुबई से अगर कोई कॉल आ रहा है, लोकेशन पूछी जा रही, तो भी फिर ये खतरे का सबब है भी है। उसी मद्देनजर पुलिस महानिदेशक और एडीजी इंटेलिजेंस को की जानकारी दी गई है, बिल्कुल निकाली जा रही है। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं खबरों की सबसे तेज हाफ सेंचुरी।